नमस्कार साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है इस समय और ये वीडियो नंबर 7 है। अपनी ये 7वीं क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, विक्रय मूल्य 120 रुपये है, पट्टा 40% है, अंकित मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। विक्रय मूल्य SP बट्टा डिस्काउंट अंकित मूल्य MRP। तो हमने हमें आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा परसेंट बटे 100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। जब अंकित मूल्य पर हम छूट देते हैं तब विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी कोई दुकानदार है, किसी वस्तु पर MRP अंकित किए है, ठीक है, MRP है मान लीजिए 100 रुपये, उस पर छूट दिया उसने 20 रुपये की, तो अब वो कितने में बेचेगा? 80 रुपये में। 20 रुपये की छूट दे दी, 80 रुपये में उसने बेचा, तो ये जो सेलिंग प्राइस हो गया अब 80 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा, ये है परसेंटेज की बात हो रही है, तो ये 40%, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य, हमने मान लिया कि X है, एक्स इंटू 100 माइनस बट्टा परसेंट था 40%, तो 100 माइनस 40 हो गया 60, 60/100 बराबर, इसको सॉल्व, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 रुपये, तो विक्रय मूल्य यहाँ पुट कर देंगे तो अंकित मूल्य की वैल्यू एक्स बराबर आ जाएगी 200 रुपये, ठीक है। दोस्तों, आपको इतना भर करना है कि अंकित मूल्य जितना दिया हो उस पर हमेशा बट्टा देने के बाद बराबर में क्या मिलता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, अंकित मूल्य हमने मान लिया कि एक्स है, एक्स पे 15% की छूट दी, तो 15% की छूट 100 में 15 घटा दीजिए तो 85 बचा, एक्स इंटू 85/100 इज इक्वल टू, देने के बाद 170 रुपये में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 170 रुपये हुआ, तो इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 170। अब अंकित मूल्य आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 170 × 100/85, एक्स बराबर 200 रुपये, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, छूट या बट्टा प्रतिशत निकालिए। तो देखिए, क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या है? अंकित मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्रय मूल्य यानी CP हमने मान लिया कि 100 है, तो अब अंकित मूल्य MRP कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। और 8% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 108 रुपये में बेचा उसने, यानी हमें अगर क्रय मूल्य पता है 100 रुपये है, 100 पे वो 8% का लाभ कमा के बेच देता है, ठीक है। तो 100 × 108/100, तो ये आ जाएगा 108 रुपये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें निकालना है छूट या बट्टा प्रतिशत, इसका फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, ये यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए। छूट प्रतिशत होता है छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य, हमेशा हमने आपको बताया छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, इसलिए बटे में अंकित मूल्य ही रखा जाएगा। अब ये डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हुआ पहले तो ये पता होना चाहिए, डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, ठीक है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को घटाने पर डिस्काउंट पता चलता है, तो MRP है 120, SP है 108, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 12 आ गया, तो ये हो गया डिस्काउंट। जैसे
डिस्काउंट का मतलब होता है किसी वस्तु पे 10 रुपये अंकित है, 2 रुपये की उसने छूट दे करके बेच दी उसने 8 रुपये की, 10 रुपये अंकित था, 8 रुपये की बेची, कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपये। इन दोनों को माइनस करने के बाद तो पता चला ना आपको। तो ये देखिए डिस्काउंट आ गया 12, तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 12 × 100 / 120। 120 क्या है, MRP यानी अंकित मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे 10% आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, केवल ये कॉन्सेप्ट समझना है, अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद आपको विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 660 रुपये, 20% की छूट देने बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का CP क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ, ये फार्मूला होता है। अब आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। अब देखिए अंकित मूल्य है 660 रुपये, हमने आपको बताया अंकित मूल्य पर ही बट्टा मिलता है, तो 660 गुणे 20% का बट्टा मानी 100 - 20, 80/100, 660 गुणे 80/100 बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य SP, ये आपको मिला 528। अब आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ। अब विक्रय मूल्य है 588 गुणे 100/100 धन लाभ है, ये 10% का लाभ कमाता है, तो 110 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 480 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए व्यापारी वस्तु पर अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, 90 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट, अंकित मूल्य मान लीजिए अंकित मूल्य इंटू 10% की छूट 100 - 10/100 बराबर क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हमने x मान लिया, x गुणे 90/100 बराबर विक्रय मूल्य होता है। अब विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ / 100, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है 90 रुपये और 20% लाभ दिया है, तो उसका यूज करेंगे। तो विक्रय मूल्य का सूत्र में इसका फार्मूला में रख दीजिए वैल्यू 90 × 100 = 20/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, x बराबर 120 रुपये आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, 10% की छूट देकर तो अब किस पे छूट दी जाएगी, MRP पे। तो ये देखिए MRP इंटू 100 - 10/100 किया, डायरेक्ट आप लिखेंगे MRP गुणे 90/100 इज इक्वल टू 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा कर रखना चाहिए, तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ा कर रखना चाहिए, जहाँ से लग जाए उसी को आप मानेंगे क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया CP = 100, ठीक है, और यहाँ पर ये MRP गुणे 90/100 बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ / 100। तो राइट हैंड साइड में 100 × 100 धन लाभ / 100 धन 17/100 ये रखा, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ / 100।
अब देखिए दोनों तरफ से, ये देखिए 100 100 का कैंसिल हो गया। इसके बाद एमआरपी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, 130 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब वो पूछ कह रहा था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा कर रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना अंतर आया, एमआरपी आ गई आपकी 130 और क्रय मूल्य है 100 सीपी, इन दोनों को आप डिफरेंस निकाल लीजिए, दो आ गया 30% बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका, बहुत ही जी था ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।